आपका हमारी खास पेशकश स्वराज सेहत में और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी सेहत के बारे में सोच सके। ऐसे में लोग बीमार पड़ने लगते हैं या फिर ये कहें कि बीमारियां हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में कैंसर से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रहे हैं, जो लगातार एक गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है। सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं और जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाला ट्यूमर मेटास्टैटिक या फिर सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। और कैंसर की और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत, डॉक्टर मेमन आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यूसुफ, क्योंकि जिस तरह से हम आज जो विषय है कैंसर, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कैंसर कैसे हो जाता है लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए स्टार्ट किया जाएगा प्रोग्राम और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर कैंसर क्या है, कैसे होता है और इसके होने के पीछे की आखिर क्या मेन वजह बताई जाती है। देखिए, कैंसर जो है लोगों के मन में भ्रांति है कि कोई ये बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई कीटाणु है, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है और उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये गुण होता है कि ये कोशिकाएं आपस में विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं और बॉडी में कहीं भी कोई डैमेज होता है उसको रिपेयर करती हैं। कभी कभी जीन में और हमारे डीएनए में क्षति होने के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं की ये प्रॉपर्टी कि वो अनियंत्रित ढंग से अपनी संख्या में तेजी से बढ़ने लगती है और शरीर के दूसरे हिस्सों में इधर उधर फैलने लगती है, तो हम कहते हैं कि कैंसर हो गया जी। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो है जीन में क्षति क्यों होती है, डीएनए में क्षति क्यों होती है। मुख्य रूप से ये देखा गया है कि गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और जो ये हमारी बुरी आदतें हैं, अल्कोहल, इन सब की वजह से हमारे शरीर में क्षति होती है। इसके अलावा हमारी जो दिनचर्या है कि हम अधिक खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सीडेंट्री हैबिट, हम दिन भर बैठे रहते हैं टीवी के सामने या मोबाइल लेकर, तो इससे हमारा वेट बढ़ता है, जिससे लोगों में कैंसर की जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी। डॉक्टर यूसुफ, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, ये तमाम चीजों के बारे में आपने जानकारी दी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैंसर के आखिर कितनी स्टेज होती है। देखिए, अलग अलग शरीर के हिस्से में जो कैंसर होते हैं उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ हो रहा हो या उस बगल में कोई गांठें आ रही हो, हमारी आंखों में एक्जिला जिसे हम कहते हैं, या स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में थिकनिंग रेडनेस या उससे कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसी प्रकार से मुंह में कोई ऐसा छाला है जो लंबे समय से न भर रहा हो, खास करके उन लोगों को जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सुपारी खाते हैं और उनमें कोई छाला है जो लंबे समय से नहीं भर रहा है, या इसके अलावा अगर किसी की आवाज में परिवर्तन आ गया या वो खाना निगलने में उनको कठिनाई हो रही है या थोड़ा खाना खाने पर भी वो नहीं पच रहा है या उन्हें लगता है कि हमारा पेट भर गया,
तो ये भी कैंसर के लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैंसर होते हैं, जैसे स्किन के जो कैंसर होते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई तिल है वो असामान्य ढंग से तेजी से बढ़ रहा है, या उसमें किसी तिल में खुजली होने लगी, उससे ब्लीडिंग होने लगा, उसी प्रकार से महिलाओं में गर्भाशय से अगर श्वेत प्रदर या सफेद पानी ज्यादा आ रहा है तो वो गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। अगर खून आ रहा है ज्यादा, महावारी के अलावा भी उन्हें अगर खून ज्यादा आ रहा है, या कोई महिला जिनमें मीनोपॉज हो चुका है, महावारी आना बंद हो चुका है और उसके बावजूद फिर से महावारी आना शुरू हो गया, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध पुरुषों में अगर वो रात में बार बार यूरिन के लिए उठते हैं तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है, तो इस तरह से अलग अलग अंगों में जो कैंसर है उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मेवन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इनको आप सिंक्रोनाइज तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में कैसे और ज्यादा पहचाना जा सकता है, क्योंकि अमूमन बहुत जब इस तरह के हमें सिम्टम्स नजर आते हैं तो इनको कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन फिर भी और कैसे इसमें डिस्पैरिटीज हम जान सकते हैं कि वाकई में ये कैंसर के प्राइमरी लक्षण हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी जानकारी है, इसकी जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है। पहले तो मैंने आपको जो लक्षण बताए, जो सिम्टम्स बताए, इनका ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह के कोई भी सिम्टम आते हैं तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। किसी भी नजदीक के कैंसर अस्पताल में स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट मैं आपको बताऊं बहुत ही सस्ते और सुलभ होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सीबीसी का ब्लड टेस्ट करते हैं जो कि 300-400 रुपए का टेस्ट है, तो इससे हमको ब्लड कैंसर की जानकारी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान ज्यादा करते हैं और उनको खांसी ज्यादा हो रही है या खांसी में कभी खून आया, तो सिंपल एक्सरे चेस्ट जो कि 200-300 रुपए की जांच है, इससे ही हम जान सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। इसी प्रकार से महिलाओं में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, उन्हें महीने के एक निश्चित दिन में, खास करके अपने जो महावारी आती है उसके 15वें दिन में, उनको ब्रेस्ट की खुद से जांच करनी चाहिए। तो ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने से, या 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं वो मैमोग्राफी कराएं, या कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर में एक सिंपल ट्यूमर मार्कर होता है PSA, या ओवेरियन कैंसर में एक सिंपल ट्यूमर मार्कर होता है, ब्लड टेस्ट होता है CA125, या महिलाओं के गर्भाशय कैंसर के लिए बहुत ही सस्ती जाँच होती है पैप स्मियर। तो इस तरह की बहुत ही सस्ती जांचें होती हैं जिन्हें हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें आसपास के किसी कैंसर अस्पताल में या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से जाकर इस प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए, जिसे हम शुरुआती स्टेज में ही कैंसर को पहचान सकें। बिल्कुल डॉक्टर मेवन, जिस तरह से आपने बताया कि ये तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं और जो बहुत ज्यादा किफायती भी हैं, जिन टेस्ट को कराने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि वाकई में कैंसर है या नहीं है या वो किस स्टेज में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक भ्रांति भी फैली हुई है कि कैंसर का इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब जो अमूमन जो आम लोग हैं, अगर उनमें से किसी को, किसी गरीब शख्स को कैंसर हो जाता है या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसका इलाज बहुत ज्यादा महंगा है, इस तरह की भी भ्रांति है। डॉक्टर मेमन, आपके पास में आऊंगी हमारे साथ। जी सर, मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतना से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत स्वागत है डॉक्टर मेमन से, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा सवाल ये है। नमस्कार, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति को कैंसर हो सकता है या कोई आम इंसान है जो नशा नहीं करता उसको भी कैंसर होने की संभावना है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसमें हमारे सेल्स के डीएनए या जीन में क्षति होती है तो वो कैंसर हो सकता है। 30% केसेस में ये देखा गया है कि ये जो क्षति है या जो जीन में डैमेज है ये नशा वाली चीजों की वजह से होता है। इसके अलावा 70% चीजें और भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जीवनचर्या, हमारा आहार, हमारी आदतें, और उसके अलावा पर्यावरण में प्रदूषण, कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, ये भी कैंसर कराते हैं। तो ये नशे से तो हमें बचना ही चाहिए क्योंकि ये कैंसर कराते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल मार्केट में फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का उपयोग करते हैं, या उन्हें अच्छा कलर देने के लिए अलग अलग डाई का उपयोग किया जाता है,
या उन्हें प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, या पेस्टिसाइड्स ताकि खराब ना हो, फसल खराब ना हो, फ्रूट्स खराब ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड, या कई बार हम देखते हैं कि फलों में चमकाने के लिए वैक्स लगा देते हैं, तो ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाकर कभी कभी कैंसर भी करा सकते हैं। तो नशा ही कैंसर कराता है ऐसा कहना सही नहीं है, नशे के अलावा अन्य चीजें भी हैं जिसमें हमें ध्यान रखना होगा। तो रोहित, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जिस तरह कि जो तमाम बातें डॉक्टर साहब ने बताई उनका आप ख्याल रखिएगा। एक और हमारे साथ कॉलर बैरागढ़ से जुड़ गए हैं, आकाश। आकाश बहुत स्वागत है, डॉक्टर मेमन से आप अपना सवाल सीधे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कैंसर है तो लास्ट स्टेज में हमको पता चलता है, तो काफी समस्या हो जाती है और इलाज करा पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जी जी जी, देखिए ये कहा गया है, जैसे कि मैडम ने भी एक सवाल पूछा था कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, इसका जवाब यहीं से ही मिलता है कि अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में अगर हमें पकड़ में आता है, जैसे अगर वो ब्रेस्ट कैंसर है तो हम केवल सर्जरी करके उसे ठीक कर सकते हैं। मुंह का कैंसर है, अगर शुरुआती स्टेज में ही अगर हम इसे जांच करके ठीक कर दें तो केवल सर्जरी से ठीक हो जाता है। कुछ एक लिम्फोमा कैंसर होते हैं, शुरुआती स्टेज में ही अगर इसकी जांच हो जाए तो हम केवल दवाइयों से, कीमोथेरेपी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ कैंसर नेजोफेरिंजियल होते हैं जिनको हम शुरुआती स्टेज में ही जांच लें, लैरिंग्स कैंसर है तो केवल एक ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी से ही ये ठीक हो जाते हैं। समस्या कब आती है, जब ये कैंसर चौथे स्टेज में या तीसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं, उस स्टेज में कैंसर को पूरी तरह से काबू करना मुश्किल होता है, उसमें एक से अधिक ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तीनों करना होता है और उसमें रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती स्टेज में ही स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराएं, इन सब चीजों की जानकारी रखें, बीमारी को बढ़ने का मौका न दें। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि चौथी स्टेज में अगर कोई पेशेंट आ गया है तो फिर मैं आपको, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत समस्याएं आती हैं और चौथे स्टेज में आने के बाद कुछ कैंसरों में ही कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज इसको पूरी तरह से ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसमें पूरी तरह से क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये समस्याएं आती हैं उस समय में और हमें फिर उसमें सेवा करने के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज्यादा चारा नहीं रहता। तो वाकई में जिस स्टेज में आप लोगों को कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कंसर्न डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही उस तमाम चीजों को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर मेमन, जिस तरह से आपने बताया कीमोथेरेपी का आप जिक्र कर रहे थे, कई बार ऐसा देखा है, मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। मैं सवाल आपसे करूंगी, एक कॉलर हमारे साथ इंदौर से शिवानी जुड़ गई है, उनका सवाल ले लेते हैं। शिवानी बहुत स्वागत है स्वास्थ्य सेहत में, डॉक्टर मेमन से आप अपना सवाल सीधे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अक्सर हम देखते हैं शराब पीने से या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, पर कई बार हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और हम समय समय पर एक्सरसाइज भी करते हैं और सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी कैंसर की स्थिति बनती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होता है वो हमारे सेल्स के जीन या डीएनए में डैमेज की वजह से होता है। कई बार ये जीन या जीन में डैमेज होता है या डीएनए में डैमेज होता है, इसका कई बार तो हमें कोई कारण पता ही नहीं था। कई बार ये ऐसे कारण होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, पेस्टिसाइड है या प्रिजर्वेटिव है या जो फूड में कलर है या हमारी आदतें हैं, जैसे हम जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा हो गया है, सीडेंटरी हैबिट है, तो कई रीजन है इसके। और 5-10% केसेस में कैंसर अनुवांशिक भी होते हैं, तो जब भी कोई डीएनए में डैमेज होता है वो स्पोरेडिकली कभी भी किसी में भी हो सकता है और उनको कैंसर हो सकता है। तो अगर कोई आदमी लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट हम पीते हैं, देखते हैं उनको कुछ नहीं हुआ, और कभी कभी कोई ऐसे लोग हैं जो कभी किसी चीज का वो सेवन नहीं किए, उनको भी कैंसर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तंबाकू गुटखा से कैंसर नहीं होता, उनसे कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे कैंसर होता है, हमें इसके लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए लक्षणों की, और शुरुआती स्टेज में ही हम इसको पहचान कर इसको ठीक कराएं तो ये कम से कम खर्च में पूरी तरह से ठीक होने की इसकी संभावना अधिक होती है।
तो जाहिर सी बात है शिवानी, डॉक्टर यूसुफ मेमन ने जो कुछ भी टिप्स आपको दिए हैं, अगर इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए तो जो बीमारी अगर होने वाली है उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जब हमें पता चल जाता है कि कैंसर है, हमें प्राइमरी स्टेज में है या सेकेंडरी स्टेज में है, तो इसकी रोकथाम आखिर कैसे संभव है और क्या वैक्सीन दिए जाते हैं? देखिए, आपने एक तो बहुत जानकारी वाली बात पूछी कि स्टेज क्या होता है। स्टेज यूजुअली क्या होता है कि कोई कैंसर अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा हो तो हम उसे स्टेज 1 कहते हैं, मोटा मोटा अगर 2 से 4 या 5 सेंटीमीटर का हो तो हम उसे स्टेज 2 कहते हैं, अगर वो 4 या 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया और लिम्फ नोड्स में भी कैंसर आ गया तो हम उसे स्टेज 3 कहते हैं, और अगर वो कैंसर शरीर के किसी एक अंग से फैलकर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में चला गया तो हम उसे स्टेज 4 कहते हैं। और इस तरह की जो जांच है इसके लिए आजकल एक बहुत ही आधुनिक मशीन आ गई है जिसे हम पेट स्कैन कहते हैं। तो कैंसर होने पर पेट स्कैन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में भी कई बार कैंसर जो है वो शरीर के दूसरे हिस्से में इसके सेल्स हो सकते हैं, और पेट स्कैन करने पर हमें पूरी तरह से जानकारी हो जाती है कि कहीं शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कोई कैंसर फैला हुआ तो नहीं है, और उसके बाद स्टेजिंग के आधार पर फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे शुरुआती स्टेज में कैंसर को सर्जरी करके शरीर के उस हिस्से को अलग कर दिया जाता है, या कभी कभी रेडिएशन या कीमोथेरेपी से भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर यूसुफ, हम चर्चा लगातार कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। आप अपना सीधा सवाल डॉक्टर यूसुफ मेनन से कर सकते हैं। सर, मैं पूछना चाहता था कि जैसे कि कैंसर की जो अलग अलग स्टेज होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें कई टाइप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी के लिए मना किया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी वजह से परेशानी जी, होती है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कीमोथेरेपी के लिए क्यों मना किया जाता है? देखिए, कीमोथेरेपी उन्हीं केसेस में किया जाता है जहाँ पर ये संभावना होती है कि कैंसर की शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने की आशंका होती है। अगर कोई बहुत ही शुरुआती स्टेज का कैंसर हो और अगर ये लगता है कि उसे दूर दूर तक के मार्जिन लेकर बराबर निकाल दिया गया है और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी बीमारी फैली हुई नहीं है, तो यूजुअली फिर कीमोथेरेपी के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेट स्कैन जो जांच होती है ये ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण जांच है कि अगर शुरुआती स्टेज में भी अगर ये पेट स्कैन कर लिया जाए तो हमें ये पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि कई बार जो बीमारी हमें शरीर में दिख नहीं रहा है लेकिन वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कोई कैंसर का सेल्स जो है वो बैठे हुए हैं, और पेट स्कैन से हमें पता चल जाता है, तो शायद अगर वो जांच हो जाए तो हम कीमोथेरेपी के लिए मना ना करें। यूजुअली बहुत ही शुरुआती स्टेज में कैंसर के फैले होने की संभावना कम होती है तो उसमें कीमोथेरेपी की सलाह नहीं दी जाती। तो मोहित, जाहिर सी बात है आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर यूसुफ, जिस तरह से हमने हर तरह के कैंसर के बारे में बात की, अगर हम बात करते हैं बोन मैरो की, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है, क्या कुछ डिफिकल्टीज आती हैं और एक्चुअल में ये है क्या? देखिए, कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं एवं कुछ ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, जैसे सिकलिंग थैलीसेमिया, इस तरह की बीमारियों को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसा कि विगत दिनों हमारे हॉस्पिटल में भी एक मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और उसे पूरी तरह से ठीक किया गया। ये जो प्रक्रिया है ये हीमेटोलॉजिस्ट, जो रक्त रोग एवं रक्त कैंसर विशेषज्ञ है, ये एक विशेष कक्ष में करते हैं जिसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एरिया कहते हैं। उस जगह में पेशेंट को के शरीर से पूरी इम्यूनिटी को खत्म कर दिया जाता है और स्टेम सेल्स उनके शरीर में ट्रांसफ्यूज किया जाता है और उनके शरीर में उसे पूरे तरह से प्रवाहित किया जाता है। उस पर्टिकुलर समय में मरीज की शरीर की इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है तो उसे विशेष कक्ष में रखकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और एक बार ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बाकी क्योंकि डॉक्टर यूसुफ अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं,
آپ نے تمام باتوں کا ذکر کیا, ہدایتیں بھی دی ہیں اور کس طرح سے ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ لگاتار بتا رہے ہیں. کس طرح کی دن چریا ہمیں رکھنا چاہیے, کس طرح کا ہمارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہمیں ریگولر ایکسرسائز کرنا چاہیے, ہمارے وزن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, وزن بڑھنے نہیں دینا چاہیے, سمے سمے پر کھانا کھانا چاہیے, صحیح سمے پہ اٹھنا, صحیح سمے پہ سونا چاہیے. کوئی بھی ایسا کاریہ جس سے ہمارا اسٹریس بڑھ رہا ہو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. گرین فروٹس, ویجیٹیبلس, ٹومیٹو, کیرٹ اور ہلدی یعنی کہ ٹیمرینڈ, یہ جو ہیں اینٹی کینسر ہوتے ہیں, یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا ہمیں بھرپور اپیوگ کرنا چاہیے, یوگ پرانایام کرنا چاہیے. اور ہماری کچھ عادتیں ہیں, جیسے ہمارے سماج میں مہیلائیں بہت ادھک عمر میں شادی کرتی ہیں, بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو انہیں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. کچھ گاؤں میں مہیلاؤں میں بہت کم عمر میں ان کی بال وواہ کر دی جاتی ہے, ان میں سروائیکل کینسر زیادہ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. سروائیکل کینسر کا ذکر آپ نے کیا ہے ڈاکٹر یوسف, یہ جو سروائیکل کینسر ہے وہ کتنا خطرناک, کتنا گھاتک ہو سکتا ہے اور اس کے ایکچوئل میں سمٹمز کیا رہتے ہیں کہ جس سے ہم یہ ریکگنائز کر سکے کہ یہ سروائیکل کینسر ہے؟ اگر کسی مہیلا کو سفید پانی بار بار آ رہا ہو یا اگر سنسرگ کے سمے انہیں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہو یا مہاواری میں اگر انہیں لمبے سمے تک بلیڈنگ آتی ہو تو یہ سروائیکل کینسر کے لکشن ہو سکتے ہیں. ان مہیلاؤں کو سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں جسے ہم پیپ اسمیئر کہتے ہیں, یہ پیپ اسمیئر ان کو کرانا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر کینسر وشیشج یا استری روگ وشیشج پر اسپیکولر ایگزامینیشن کر کے کولپوسکوپک ایگزامینیشن کی صلاح دیتے ہیں, یہ جانچ کرانی چاہیے. ضروری ہونے پر وہ بایوپسی کی صلاح دیتے ہیں, بایوپسی کرانی چاہیے. ان سب جانچ سے ہم شروعاتی اسٹیج میں ہی سروائیکل کینسر کو پہچان کر اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی, اب جس طرح سے آپ نے میں آپ کو بتاؤں کہ سروائیکل کینسر ہی ایک ماتر ایسا کینسر ہے جس کے لیے ویکسین بھی بن گیا ہے. تو ایسی مہیلائیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, کم عمر کی بچیاں, وہ ویکسین لگا کر سروائیکل کینسر سے بچ سکتی ہیں. جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ ویکسین لگا کے سروائیکل کینسر سے بچا جا سکتا ہے, کیا کاسٹ آتا ہوگا اور کیا یہ پرائیویٹ اسپتالوں کے ساتھ, کیا یہ سرکاری اسپتالوں میں اس ویکسینیشن کی اپلبدھتا ہے؟ دیکھیے, یہ بہت ہی سستے ویکسینز ہوتے ہیں جو کہ تین بار لگانا ہوتا ہے. شروعاتی جیسے ہم ایک ڈوز لگاتے ہیں, دو مہینے کے بعد دوسرا ڈوز, چھ مہینے کے بعد تیسرا ڈوز, یہ 2 سے 2500 روپے کا ایک ویکسین ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے سرکاری اسپتالوں میں بھی ملتا ہوگا, پرائیویٹ اسپتالوں میں تو یہ اویلیبل ہوتا ہے. یہ انہی مہیلاؤں میں, لڑکیوں میں یوزفل ہوتا ہے جن کی میرج نہیں ہوئی ہے, جن میں سیکشوئل ایکٹیویٹی شروع نہیں ہوئی ہے. جی بالکل. اور ساتھ ہی ڈاکٹر مینن, جس طرح سے آپ لگاتار بتاتے آ رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں روک تھام کرنی چاہیے, جب کینسر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو پھر کھانے کو لے کے کیا کچھ احتیاط برتنا پڑتا ہے, اگر وہ آپ چلتے چلتے ہمارے درشکوں کو اگر بتا دیں؟ دیکھیے, یوزولی تو کینسر میں سرجری کے بعد میں کھانے کے لیے کوئی بہت احتیاط یوزولی برتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, اگر کوئی پیشنٹ کیمو تھراپی لے رہا ہو تو ایسے سمے میں کیمو تھراپی لینے سے شریر کی پرتیرودھک کھمتا کم ہو جاتی ہے. تو ایسے سمے میں ہمیں فروٹ یا سلاد جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے, یا اگر ہم کھاتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے دھو کر کھانا چاہیے. ایسے سمے میں ابلا ہوا بھوجن کھانا یا پکا کر تازہ جو بھوجن ہم بناتے ہیں وہ کھانا زیادہ اچت ہے. جی, چلتے چلتے آپ کیا کچھ سلاح دینا چاہیں گے؟ میں آپ سبھی کو یہی سلاح دینا چاہوں گا کہ کیول 5% کیسز میں کینسر جو ہے وہ جینیٹک ہوتا ہے. 95% کیسز میں کینسر ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جن سے اگر ہم بچیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں, جیسے تمباکو, گٹکا, پان مسالہ, ہماری عادتیں, ایکسرسائز کرنا, ویٹ کم کرنا, پریزرویٹیوز کا استعمال کم کرنا, آرگینک فوڈ کا استعمال کرنا, ہری سبزیاں, ہلدی اور یوگا پرانایام, اس طرح کی اچھی عادتوں کو ہم اپنائیں تو ہم کینسر سے 95% کیسز میں ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں.
ظاہر سی بات ہے آپ کی اتنی مہتوپورن جانکاری سے ہمارے تمام درشکوں کو فائدہ بھی ملے گا اور ان کو جانکاری بھی ہوئی ہوگی کہ آخر کس طرح کی دنچریا ہمیں رکھنا چاہیے اور اس سے کیسے ان تمام چیزوں کا ندان آخر کیسے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف میمن جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اتنی مہتوپورن جانکاری ساجھا کرنے کے لیے. تو کینسر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا ندان کیسے اس کا ندان کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتایا. تو سوراج صحت میں آج ہمارے ساتھ اتنا ہی, اگلے ہفتے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ اور اس کے ندان کے ساتھ ہم پھر آپ سے مخاطب ہوں گے. دیجیے اجازت, نمسکار.